सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाली बाइक में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम है लेकिन वो बहुत ही इरिटेटिंग प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है बेसिकली बजाज V15 में इंजन हीटिंग प्रॉब्लम। मतलब नॉर्मल दूसरी बाइकों से इस वाले बाइक का जो इंजन है ना वो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि अगर आप लोग अगर अपने बाइक को अगर ट्रैफिक में अगर चलाते हो या फिर अगर आप लोग नॉर्मली अगर चला रहे हो तो इस वाले बाइक का जो RPM है ना वो अपने से बढ़ जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसका रीजन इसके क्या क्या होते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, नीचे के साइड में एक सब्सक्राइब का एक बटन है उसको आप लोग दबा दो वीडियो आगे देखने से पहले, तब आप लोगों को सॉल्यूशन और ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहला रीजन होता है, जिस रीजन की वजह से बजाज V15 में इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, वो रीजन होता है बाइक का हायर आइडल RPM होना। सो अब नॉर्मल किसी भी बाइक का जो आइडल RPM की रेंज होती है वो लगभग 700 से 1000 के बीच में होती है, लेकिन अगर आप लोगों की बाइक का आइडल RPM जो है वो अगर 1500 की रेंज में या 1200 से ऊपर अगर चला गया है ना सो उसको कहते हैं बेसिकली हायर आइडल RPM होना। सो अब ये तो अब रीजन हो गया, अब इसका सोल्यूशन का क्या? इसका सोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। किसी भी मैकेनिक के पास आप लोग अपने बाइक को लेके जा सकते हो, उससे कह सकते हो कि इस वाले बाइक का जो आइडल RPM है ना उसको कम कर दे वो। सो अब हर बाइक की आइडल RPM की ट्यूनिंग जो है वो अलग अलग होती है। मैं आप लोगों को बजाज V15 का मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसकी ट्यूनिंग कैसे होती है। ये जो आप लोग जो देख रहे हो ना यहाँ से होता है बेसिकली आइडल RPM की ट्यूनिंग। इसको या तो राइट घुमाना पड़ता है नहीं तो इसको लेफ्ट घुमाना पड़ता है। इसको बेसिकली ट्यून करवाना पड़ता है कि आइडल RPM बहुत ज्यादा बाइक का कम ना हो जाए और बहुत ज्यादा हाई भी ना हो जाए। सो ये तो हो गया रीजन नंबर वन, जिस रीजन की वजह से बाइक में हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर टू पे। तो अब जो रीजन नंबर टू है ना ये बहुत ही ज्यादा कॉमन रीजन है और मेनली यही रीजन होता है कि जिस रीजन की वजह से मैक्सिमम बजाज V15 में या मैक्सिमम किसी भी बाइक में इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। अब हम लोग जो है वो इंडिया में रहते हैं और मानो या ना मानो लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया में वो अपने अपने बाइक या कार की वो लोग सर्विसिंग नहीं कराते, जिसकी वजह से उन लोगों की बाइक या कार में इंजन ऑयल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता इंजन ऑयल का काम क्या होता है, इंजन ऑयल का काम बेसिकली ये होता है कि वो इंजन को स्मूथ रखने का काम करता है। मान लो कोई भी अगर बाइक उसमें अगर इंजन ऑयल नहीं है तब बाइक जो है वो बहुत ज्यादा गर्म करेगी, लेकिन इंजन ऑयल डालने के बाद क्या होता है इंजन जो होता है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से बाइक जो है वो उतनी ज्यादा हीट नहीं होती है। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिस रीजन की वजह से बाइक का इंजन जो है वो बहुत ही ज्यादा हीट करता है। अब ये तो अब रीजन हो गया, अब इसका सोल्यूशन क्या? इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार। अगर आप लोग बाइक का अगर इंजन ऑयल अगर बहुत ज्यादा पुराना हो गया है तो उस वाले इंजन ऑयल को आप लोगों को चेंज करवाना पड़ेगा, अपने बाइक की आप लोगों को सर्विस करानी पड़ेगी। सर्विसिंग में यही करते हैं कि वो लोग साफ करते हैं, सफाई करते हैं। सो ये तो हुआ रीजन नंबर टू। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर थ्री पे। सो रीजन नंबर थ्री बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज में बताना चाहता हूँ, आज के मैं जितने भी आप लोगों को मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूँ ये असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब सबसे पहला काम आप लोगों को आइडल RPM आप लोगों को कम करवाना पड़ेगा अगर ज्यादा है तो। अगर आप लोग बाइक का अगर इंजन ऑयल का पुराना हो चुका है ना तो उसको आप लोगों को चेंज कराना पड़ेगा है ना। उसके बाद ये अब तीसरा रीजन अभी जो मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप लोग ऑर्डर आप लोग फॉलो करना है ना, तभी आप लोगों के बाइक का जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो कम होगी। सो चलो अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर थ्री पे। तो जो रीजन नंबर थ्री है ना ये बहुत ही ज्यादा सिंपल रीजन है। इस रीजन का नाम है बेसिकली कंटिन्यूसली राइडिंग या फिर रफ राइडिंग। इसके आप लोग नाम से आप लोग पहचान पा रहे होंगे कि ये रीजन क्या है कि अगर कोई बाइक अगर बिना ब्रेक के अगर चल रही है, मतलब उसको रेस्ट उसको जरा सा भी नहीं मिल पा रहा है, तो बाइक के इंजन का जो इनर पार्ट होते हैं है ना, इनर पोर्शन जो होते हैं वो खराब होने के उसके चांसेस होते हैं। अगर वो अगर खराब हो जाते हैं बाइक जो है वो गर्म ऑब्वियसली ज्यादा करती है। सो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है कि अगर कोई बाइक अगर कंटिन्यूसली अगर चल रही है तो वो ऑब्वियसली वो ज्यादा हीट वो प्रोड्यूस करेगी। इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना, आप लोगों को अपने बाइक को रेस्ट दे के चलाना है, क्योंकि अगर आप लोग अगर अपने बाइक को रेस्ट नहीं दोगे तो आप लोगों की बाइक के इंजन के सीज होने के चांसेस होते हैं है ना। सो इस चीज को आप लोग अवॉइड करो, रफली ना चलाओ, कंटिन्यूसली ना चलाओ किसी भी बाइक को, ब्रेक दे के चलाओ है ना। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली 1000 किलोमीटर मार रहे हो। सो ये तो हुआ रीजन नंबर थ्री। अभी हम लोग चलते रीजन नंबर फोर पे।
सो अभी जो चौथा रीजन है, जिस रीजन की वजह से आप लोगों को ये बाइक का इंजन जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, वो रीजन ये है कि बेसिकली आप लोगों को ये बाइक का जो इंजन है ना वो ब्रीद नहीं कर पा रहा है। अगर आप लोगों की बाइक का अगर इंजन अगर एयर कूल्ड है जैसे मेरा है, तो आप लोगों को एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की बाइक का इंजन जो है ये एयर को ब्रीद कर पाए, कि मतलब मान लो यहाँ पर कुछ लगा हुआ है जिसके वजह से इसके ऊपर हवा नहीं लग रही है बाइक चलाते वक्त, नहीं तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसके ऊपर गंदगी चिपक गई हो जिसके वजह से इसका इंजन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म कर रहा हो। वैसे ही अगर आप लोगों की बाइक में अगर रेडिएटर है, सो आप लोगों को ये चीज आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी कि आप लोगों की बाइक का रेडिएटर बहुत ज्यादा कहीं गंदा तो नहीं हो गया, उसमें कहीं कुछ ऐसा कुछ फंस तो नहीं गया है, कोई जम तो नहीं गया है गंदगी जिसके वजह से आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो ब्रीद नहीं कर पा रहा है। सो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की बाइक का इंजन जो है वो गर्म ना हो, तो आप लोगों को अपने बाइक को ब्रीदिंग रूम देना जो है वो जरूरी होता है, कि अगर कोई भी अगर इंजन अगर ठीक से अगर ब्रीद अगर नहीं कर पा रहा है तो मतलब वो गर्म होता है। सो ये तो हुआ रीजन नंबर 4। अभी हम लोग चलते हैं रीजन नंबर 5 पे। तो अभी जो पांचवा रीजन है, जिस रीजन की वजह से बाइक जो है वो हीट होती है, वो रीजन होता है कि बेसिकली आप लोगों की बाइक का जो क्लच प्लेट होती है या फिर क्लच असेंबली होती है वो बर्न हो चुकी होती है या फिर खराब हो चुकी होती है, डैमेज हो चुकी होती है, जिसके वजह से बाइक में जो पावर ट्रांसफर होता है ना वो पावर ट्रांसफर जो होता है वो कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अगर बाइक की अगर क्लच प्लेट अगर बर्न हो जाती है तो बाइक जो होती है ना वो हमेशा वो हायर आरपीएम पे रहती है, और हायर आरपीएम का मतलब बाइक में ज्यादा हीट जनरेट होना। अब ये तो अब रीजन हो गया, अभी इसके सोल्यूशन का क्या? सो इसका जो सोल्यूशन है वो सिंपली ये है कि आप लोगों की बाइक का जो क्लच प्लेट है ना उसको आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, उसमें नई क्लच प्लेट डालनी पड़ेगी। अगर क्लच असेंबली अगर पूरी अगर खराब हो गई है तब आप लोगों की बाइक का जो पूरी क्लच असेंबली है वो चेंज होगी। सो ये तो हुआ रीजन नंबर 5 और सोल्यूशन नंबर 5। ऐसा नहीं है कि इसके बस यही 5 रीजन होते हैं इंजन हीट होने के, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की बाइक का जो स्पार्क प्लग है वो खराब हो जाता है, या फिर आप लोगों की बाइक में पेट्रोल जो होता है वो लो ग्रेड का होता है ना, थोड़ा सा बेकार क्वालिटी का पेट्रोल होता है, नहीं तो आप लोगों की बाइक में अगर कोई अगर ज्यादा अगर भारी अगर इंसान अगर बैठेगा है ना तो ऑब्वियसली तब बाइक को उसमें खींचने में दिक्कत होगी। अगर सूरज देवता का अगर प्रकोप अगर ज्यादा होगा है ना तो उसके वजह से भी मतलब बाइक जो होती है वो हीट होने लगती है। ऐसी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, लेकिन आज मैंने आप लोगों को ऐसे 5 मेन रीजन बताए जो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं और जिस रीजन की वजह से बाइक में इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। सो ये थे बेसिकली 5 रीजन और उनके 5 सॉल्यूशन। आई होप ये वाली वीडियो जो है ये आप लोगों को मदद करेगी कि आप लोगों की बाइक का इंजन जो है वो ज्यादा हीट ना हो। सो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी का सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो उस पर जाके लिख देना। एंड ऑल्सो कल जो था, कल मेरा बर्थडे था है ना, तो अगर आप लोगों को बर्थडे विश करने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स उसके लिए भी खुला हुआ है, आप लोग जाके लिख देना है ना, हैप्पी बर्थडे विश कर देना। मैं आप लोगों को मैं एडवांस में मैं थैंक यू बोल दे रहा हूँ। सो चलो गाइस आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मतलब कल। सो चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं अब आप लोगों से अब कल। सबसे पहली चीज आइडल आरपीएम आप लोगों को अपने बाइक का कम करवाना पड़ेगा, इंजन ऑयल आप लोगों को ठीक करवाना पड़ेगा, आप लोगों को अपने बाइक को ब्रेक दे के चलाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को अपने बाइक का जो इंजन है उसको सफाई उसकी करवानी पड़ेगी। और जो पांचवा और आखिरी रीजन है ना, अगर आप लोगों की बाइक का क्लच प्लेट अगर बर्न हो गई है तो उसको आप लोगों को चेंज कराना पड़ेगा। ये थी पूरी समरी। सो ये थी पूरी समरी आज की इस वीडियो की। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।